हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टोटल स्केचिंग टूल्स के बारे में जो कि हम स्केचिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जब चैनल स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, तो अब मुझे लगा फिर से बनानी चाहिए। जितने भी मैंने टूल्स यूज़ किए हैं, जितना भी मैं अपग्रेड हुआ हूँ और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है टूल्स को यूज़ करके स्केचिंग के लिए, तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको उसके अकॉर्डिंग कि कौन कौन से स्केचिंग टूल्स होते हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्केचिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ग्रेफाइट पेंसिल्स, जिनका हम मोस्टली अपने ड्राइंग्स में यूज़ करते हैं। ये जो मेरे हाथ में बिल्कुल चीप नटराज की पेंसिल्स हैं, या फिर कोई भी आपके पास एक्सपेंसिव पेंसिल्स हों, वो सब ग्रेफाइट पेंसिल्स होती हैं। बस ये ब्रांड और क्वालिटी के हिसाब से महंगी और सस्ती होती हैं। तो ये आर्टलाइन पेंसिल्स हैं, और ये कैमलिन की पेंसिल्स हैं, और ये फेबर कैस्टल की पेंसिल्स हैं। ये सारी चीप पेंसिल्स हैं जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और बाकी स्टेडलर, कोहिनूर और टोम्बो मोनो, ये सभी एक्सपेंसिव ब्रांड हैं जो कि काफ़ी स्मूथ पेंसिल्स होती हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पेंसिल्स होती हैं इनकी। सो ये सभी ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स होती हैं। ग्रेड के अकॉर्डिंग ये लाइट से डार्क होती हैं। नेक्स्ट हैं वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल्स। तो ये वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल्स होते हैं, इनको हम लार्ज एरियाज में शेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने स्केचेज में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमको बिल्कुल जल्दी जल्दी कुछ भी स्केचिंग ड्रॉ करनी हो, कोई भी हैचिंग करनी हो। तो नेक्स्ट है चारकोल पेंसिल्स, जो कि ग्रेफाइट से ज़्यादा डार्क होती हैं। तो ये कैमलिन की सॉफ्ट, नॉर्मल और हार्ड, मैं तीन चारकोल पेंसिल्स का यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल डार्क होती हैं, तो हम इनको डार्क एरियाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की आती हैं, अच्छे ब्रांड की, काफ़ी महंगी आती हैं। जैसे कि ये डर्वेंट की हैं, तो ये काफ़ी महंगी हैं, और मेरे पास प्रिज्मा कलर की भी हैं, तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में देखने को मिल जाती हैं। चारकोल पेंसिल्स काफ़ी ईजिली हम डार्क एरियाज को इससे शेड कर सकते हैं। और ये व्हाइट चारकोल पेंसिल्स भी होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी स्केच को ड्रॉ करने के लिए टोन पेपर के ऊपर। और नेचुरल चारकोल पेंसिल्स भी हैं जिनकी बड़ी बड़ी स्टिक्स ही होती हैं इस तरह की। और ये नेचुरल चारकोल पेंसिल होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं ये। इसको हम बेसिक स्केचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर लार्ज एरियाज को बिल्कुल आपने बिल्कुल लाइटली अगर शेड करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास चारकोल स्टिक्स, जो कि हम स्केचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, डार्क एरियाज को शेड करने के लिए, लार्ज एरियाज को शेड करने के लिए, और एज ए चारकोल पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसको हम। मैंने हर एक टूल पे पर्टिकुलर वीडियो बना रखे हैं, तो आप मेरे ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं। चारकोल में सबसे ज़्यादा यूज़ मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही करता हूँ, कैमलिन की। नेक्स्ट है कार्बन पेंसिल्स। तो ये मेरे पास कॉन्टे पेरिस की और जनरल की दो कार्बन पेंसिल्स हैं, इनको हम ग्रेफाइट के ऊपर से भी यूज़ कर सकते हैं। ये डार्क होती हैं चारकोल की तरह, और ये भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में अवेलेबल होती हैं। और स्टेडलर की हैं, ये स्टेडलर की मार्स लोमोग्राफ ब्लैक पेंसिल्स, ये भी कार्बन में ही हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल पेंसिल्स, जिनका यूज़ हम आउटलाइंस के लिए कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे एरियाज को शेड करने के लिए कर सकते हैं। तो ये भी आपको 0.3, 0.5, 0.9, 2.0 में अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये मेरे पास सेलो की भी है, जो कि आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगी, और इसकी लीड्स होती हैं ये। अब बात करते हैं इरेजर्स के बारे में। तो ये है नीडेड इरेजर, जिसको हम किसी भी साइज़ में फोल्ड कर सकते हैं। इसकी बिल्कुल भी डस्ट नहीं होता इसको, जब हम किसी भी हाईलाइट करना हो, कोई भी आपको इरेज करना हो तो। और ये है पेंसिल इरेजर, जिसका भी यूज़ कर सकते हैं हम हाईलाइट के लिए। और एक और पेंसिल इरेजर है मेरे पास, जो कि है स्टेडलर का। ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट जो कोहिनूर का है वो काफ़ी पॉपुलर है। और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के मिल जाएंगे आपको। ये है सिंपल इरेजर, जिसका हम यूज़ करते हैं। और ये है बैटरी इरेजर, जो कि मेरे पास डर्वेंट का है। ये भी ब्रूस्ट्रो का, या फिर और भी अच्छे अच्छे ब्रांड के मिल जाते हैं हमको। ये सभी इरेजर मोस्टली हाईलाइट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये है टोम्बो मोनोज इरेजर, जो कि है स्क्वायर में, और ये राउंड में मिलता है। ये काफ़ी पॉपुलर इरेजर है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं हेयर में हाईलाइट के लिए, या फिर छोटे छोटे हाईलाइट्स करने हो तब हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो इरेजर्स हैं टोम्बो मोनो के। और ये है मैकेनिकल इरेजर, ये भी सेम ही है, बस इसके आगे जो इरेजर है वो थोड़ा मोटा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इरेजर्स आते हैं जिनको हम हाईलाइट्स के लिए यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग्स में। और शॉर्पनर तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं पेंसिल को शार्प करने के लिए। मैं तो सिंपल शॉर्पनर यूज़ करता हूँ, अप्सरा का, बट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के, काफ़ी अच्छे ब्रांड के भी इलेक्ट्रिक शॉर्पनर्स भी आते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और कटर का यूज़ कर सकते हैं आप बिल्कुल शार्प करने के लिए इस तरह की पेंसिल को, जो कि मैं कॉन्टे पेरिस की जो पेंसिल है, कार्बन पेंसिल, ये इस शॉर्पनर से शार्प नहीं होती है, क्योंकि ये काफ़ी मोटी पेंसिल है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी मोटी पेंसिल, अगर आप दूसरी पेंसिल से कंपैरिजन करोगे तो इसलिए मैं कटर का यूज़ करता हूँ शार्प करने के लिए इस पेंसिल को, इससे तो कर नहीं सकते। ब्लेंडिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स, काफ़ी स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए, जो भी स्किन का टेक्सचर होता है। और ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, ये ब्लेंडिंग स्टम्प पेपर के बने होते हैं, तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के मिल जाते हैं हमको। और कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हैं, और टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इन पे मैंने वीडियो बना के किस तरह से आपको ब्लेंड करना है, तो आप चेक कर सकते हैं मेरे ट्यूटोरियल्स में। सो ये कुछ टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं काफ़ी अच्छी।
और हाइलाइटिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जेल पेंस का। तो मेरे पास 3 जेल पेंस हैं, इनकी निब डिफरेंट डिफरेंट है, कोई बिल्कुल पतली है और कोई थोड़ी मोटी है, तो उस हिसाब से ये 3 हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं हाइलाइटिंग के लिए। नेक्स्ट है पेंसिल एक्सटेंडर्स। जब हमारी पेंसिल छोटी हो जाती है तब इसमें लगा के हम काफ़ी अच्छे से पीछे से पकड़ के शेडिंग कर सकते हैं। छोटी पेंसिल में तो कर नहीं पाएंगे, बट इसमें लगा के काफ़ी अच्छे से आप शेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये टेप, जिनका यूज़ हम बॉर्डर्स के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग पेपर। तो स्मूथ और रफ दो टाइप के ड्राइंग पेपर होते हैं जिनका हम अपनी ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं। ये है फेब्रियानो का रफ़ पेपर जिस पे मैंने ये वाली ड्राइंग ड्रॉ की थी। तो ये रफ़ है, तो आप देख सकते हैं पेंसिल किस तरह से इसके ऊपर यूज़ हो रही है, बट इसके ऊपर काफ़ी ईजिली हम शेडिंग कर सकते हैं। बट स्मूथ पेपर के ऊपर काफ़ी अच्छे से हम बिल्कुल ईजिली शेडिंग नहीं कर सकते। तो ये स्मूथ पेपर है जो कि है आइवरी, तो इस पर आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम लगता है शेडिंग करने में, ब्लेंडिंग करने में, बट जो रफ़ पेपर है उस पर काफ़ी अच्छे से आप जल्दी से शेडिंग कर पाएंगे। सो ये दो पेपर होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स को बनाने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं पेपर क्वालिटी के हिसाब से, और टोन पेपर भी आते हैं जो कि कलर्ड में होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं स्केचिंग के लिए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में आते हैं। और ये हैं टेक्निकल पेंस जो कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के आते हैं इनकी निब के हिसाब से, और ये कुछ बॉल पेंस हैं जो कि दो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे। अब मैं आपको कुछ चारकोल और ग्रेफाइट की ड्राइंग्स दिखा देता हूँ। तो ये मैंने ड्रॉ किया था ओनली सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके, जिससे मैंने ट्यूटोरियल बनाया था किस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया था। तो ओनली इसको मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ किया था, और इसमें मैंने ग्रेफाइट, चारकोल और कार्बन तीनों पेंसिल का यूज़ किया था। जो भी डार्क एरिया है वहाँ पर मैंने चारकोल और कार्बन पेंसिल का यूज़ किया था। और जो ये थैनोस वाला स्केच है इसमें मैंने कम्प्लीटली आर्टलाइन की जो ग्रेफाइट पेंसिल है उसका यूज़ किया था, और ये मैंने ड्रॉ किया था बॉल पेन का यूज़ करके। सो गाइज, ये हैं कुछ स्केचिंग टूल्स जिनका हम अपनी ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं। सभी तो नहीं है, बट जितने मैंने अभी तक यूज़ किए हैं, जितने मैंने ऑब्जर्व किए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, जो कि इतने इनफ हैं अगर आपके पास हैं तो, और नहीं है तो भी चलेगा। जिस तरह से आपको सबको पता है मैं स्टार्टिंग में ओनली आर्टलाइन पेंसिल्स का ही यूज़ करता था, और जैसे कि चारकोल पेंसिल्स हैं और उनका यूज़ करता था कैमलिन की, अभी भी उन्हीं का ही यूज़ करता हूँ। कमीशन वर्क के लिए कर लेता हूँ, जो एक्सपेंसिव पेंसिल्स हैं उनका यूज़ कर लेता हूँ कमीशन वर्क के लिए ओनली। और जैसे कि आप सबको पता है मेरी वीडियोस में मैं ज़्यादातर आजकल कोहिनूर पेंसिल्स का यूज़ कर रहा हूँ, कोहिनूर की ग्रेफाइट पेंसिल्स का, और चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ मैं कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का, और हाईलाइट के लिए मैं टोम्बोजर का यूज़ कर लेता हूँ, और बाकी कभी स्मूथ पेपर यूज़ कर लेता हूँ, कभी कार्ट्रिज पेपर यूज़ कर लेता हूँ जो कि रफ़ होता है। तो यही कुछ मटेरियल्स हैं जो कि मेन होते हैं, अगर आपके पास होंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी है और काफ़ी अच्छे से। जैसे कि आप सबको पता है ये जितने भी मटेरियल्स मेरे पास हैं, मुझे कोहिनूर ब्रांड ने भेजे थे कई, तो और कई मुझे साइट ने भेजे थे, तो धीरे धीरे करके मैंने लिए हैं और धीरे धीरे करके मैंने जितने भी बाय किए हैं। तो आपको अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अभी इतने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेफाइट, चारकोल अगर आपके पास है और थोड़े बहुत ब्लेंडर्स हैं, तो रफ़ पेपर के ऊपर आप काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। इन सभी का मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट कभी कभी यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि कोई अगर डिफरेंट डिफरेंट स्केच मुझे ड्रॉ कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पे यूज़ करना हो, बड़ा स्केच ड्रॉ करना हो, तब ये ज़्यादातर यूज़ हो जाते हैं। बट मोस्टली मैं कोहिनूर की आजकल ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और चारकोल यूज़ कर रहा हूँ जो कि कैमलिन की है, और बस यही कुछ मटेरियल्स हैं जो कि हमको चाहिए। जैसे कि इरेजर चाहिए, ग्रेफाइट कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो भी चिप आपके पास अवेलेबल हो, और अगर आपको चारकोल यूज़ करनी है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कैमलिन की यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी पेंसिल्स हैं, और मुझे डरवेंट से भी ज़्यादा अच्छी लगी। प्रिज्मा कलर की भी अच्छी हैं, बट वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, और भी काफ़ी अच्छे ब्रांड आते हैं जैसे कि जनरल हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के आपको मिल जाएंगी, हर किसी मटेरियल्स का आपको ब्रांड काफ़ी अच्छा मिलेगा उसकी क्वालिटी के हिसाब से, तो वो एक्सपेंसिव भी होगा। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है ये नहीं है। जो भी आपको अवेलेबल होता है मार्केट में, चाहे वो 1 रुपये की नटराज वाली पेंसिल हो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वो भी ग्रेफाइट ही होती है। अगर आप उससे भी, अगर आपकी स्किल्स अच्छे हैं तो आप काफ़ी अच्छे से उससे भी शेडिंग कर पाएंगे किसी भी रफ़ पेपर के ऊपर। तो ज़्यादा मत सोचो, बस प्रैक्टिस करते रहो। सो गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हुआ, काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी मटेरियल्स के बारे में। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।